प्यारे बच्चों, नवोदय विद्यालय क्लास नाइन्थ के एडमिशन के लिए जो फॉर्म है वो आ चुका है। तो जिन बच्चों को क्लास नाइन्थ में एडमिशन लेना है नवोदय विद्यालय में, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये जो है 2 सितंबर से फॉर्म भरा जा रहा है और इसका अंतिम जो तारीख है फॉर्म भरने का वो 15 अक्टूबर है, यानी अभी काफ़ी समय बचा हुआ है, आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा जो है 11 फरवरी को होगी, तो आप लोगों के पास तैयारी करने के लिए भी काफ़ी समय है। आप लोग फॉर्म भरने के लिए नवोदय विद्यालय की वेबसाइट www.navodaya.gov.in पे जा सकते हैं, या फिर इसकी एक और वेबसाइट है www.nbsadmissionclass9.in, यहाँ पे भी जाके आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोगों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है। तो बच्चों, आप लोग फॉर्म अवश्य फिलअप करें। फिलअप करने से पहले जिस भी विद्यालय में आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं नवोदय विद्यालय का, आप लोगों को वहाँ का मूल निवासी होना ज़रूरी है, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, या फिर जिस जनपद में आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ का आपका प्रमाणिक निवासी होना चाहिए। साथ में आप लोगों का जो एज लिमिट है वो यहाँ पर दे रखा है, देख लीजिए नीचे की तरफ, 1/5/2008 से 30/4/2010 तक जिन बच्चों की जन्मतिथि है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये दोनों तिथियां, यानी 1/5/2008 और 30/4/2010, दोनों तिथियां इंक्लूड है, यानी कि जिन बच्चों का 1/5/2008 जन्मतिथि होगी वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और 30/4/2010 होगी वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या इनके बीच की कोई भी तारीख होगी तो वो बच्चे नवोदय विद्यालय क्लास नाइन्थ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को जो है परीक्षा पैटर्न, या फिर जो है किस नवोदय में कितनी सीटें खाली हैं, इसको जानने के लिए आप लोग नवोदय की वेबसाइट www.navodaya.gov.in पे जाके आप लोग देख सकते हैं कि किस नवोदय में कितनी सीटें खाली हैं। और सीट अगर अवेलेबल है तो ही जो है आप लोग वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करें, अन्यथा की स्थिति में फॉर्म अप्लाई करने से कोई लाभ नहीं होगा। साथ में बच्चों, अगर आप लोगों को वेबसाइट से किसी कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है कितनी सीटें हैं, तो अगर आपका नवोदय अगल बगल है, कहीं कुछ दूरी पे है, तो आप वहाँ पे पर्सनली जाके जो है विजिट कर सकते हैं। वहाँ के प्राचार्य से आप लोग बात कर सकते हैं, वो बता देंगे कि नवोदय विद्यालय क्लास नाइन्थ के लिए इस बार उनके पास कितनी सीटें खाली हैं। जनरली 3 या 4 सीटें, या 2 सीटें, या 1 सीटें, या कभी कभी कोई सीट खाली नहीं होती है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा अपेक्षा ना करें कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो सीटें होंगी उस पर आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगा। साथ में इसमें किसी भी प्रकार का कोई कोटा नहीं लगता है, यानी किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं होता है। हाँ, बस ये है कि अगर गर्ल्स की सीट खाली है तो वहाँ पर गर्ल्स का ही एडमिशन होगा, और अगर बॉयज़ की सीट खाली है तो उस पर बॉयज़ का एडमिशन होगा। बाकी और किसी भी प्रकार का कोई भी आरक्षण लागू नहीं होता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई गर्ल्स सीट है, गर्ल्स सीट अगर छोड़ के गई है तो उसके स्थान पे गर्ल्स ही आएगी। एक्चुअली में उसके लिए हॉस्टल की जो व्यवस्था की गई है वो गर्ल्स हॉस्टल अलग होता है, बॉयज़ अलग होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो आएगी स्टूडेंट पढ़ने तो उसके लिए गर्ल्स हॉस्टल में व्यवस्था होनी है, तो गर्ल्स हॉस्टल में बेड भी होना चाहिए सोने के लिए। इसी तरीके से बॉयज़ अगर है तो बॉयज़ में जाएगा। तो अगर बॉयज़ की सीट खाली है तो बॉयज़ भरा जाएगा, गर्ल्स की सीट खाली खाली है तो गर्ल्स भरी जाएगी। बाकी इसके प्रकार, इसके अलावा और किसी भी प्रकार का कोई भी आरक्षण लागू नहीं होता है क्लास नाइन्थ में एडमिशन के लिए। तो आप लोग फॉर्म अवश्य भरें। बाकी अगले अधिक जानकारी के लिए अगले 2 वीडियो जो है हमारे जो है पॉपअप होंगे, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। वहाँ से भी आप लोगों को नवोदय विद्यालय क्लास नाइन्थ के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।